बताने का ट्राई करूंगा, पॉसिबल सिचुएशन में होगा तो बताऊंगा ना भाई। दिलेलं का जेव्हा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल प्रेझेंट आहे तेव्हा कोलेसिस्टिस होते म्हणून कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेझेंट आहे अवे पूर्ण लिहिलं आहे मग ते समोरच्या प्लेजवर आहे सरळ दाखव बरं हे पाय कोलेस्ट्रॉल वाले हे वे कोलेस्टॅटिस हो। हां हे गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी 5 बजे सुबह के 4:57 हुआ है। बिल्कुल ब्राइट डे है आज, यहाँ सूरज जल्दी निकल जाता है। और आज हमारा इंटरनल मेडिसिन का एग्जाम तो वाह बुढ़ा सो चुका है क्योंकि बुढ़ा एग्जाम के पहले सो जाता है, उसको कम से कम 3-4 घंटे की नींद लेना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि हार्डली मैं आधा या 1 घंटा सोऊंगा वो भी बस, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम के ऐसा पहले सोता नहीं, उसको नींद चाहिए होती है। हर आदमी का अलग अलग रहता है। इंटरनल मेडिसिन का एग्ज़ाम है आज और हमेशा की तरह थोड़ी थोड़ी ओके okay. और ये कैंपस इंटरनल मेडिसिन का कैंपस ये भी यही सर्जरी का डिपार्टमेंट है, इंटरनल मेडिसिन का भी यही डिपार्टमेंट है। बिल्कुल धूप सेकते हुए पूरा पढ़ते हुए पूरा ताकत से बिल्कुल जोरदार पढ़ाई चालू है आदेश भाई की। अरे वही तो प्लान है यार। देख वैसे एग्जाम में पहले 5 मेजर पॉइंट बताते उससे पास होने वाले होंगे। तू बता, मेरे को थोड़ी पता है। तो तूने उनको बोला कि अलग है तो मैं देखने लगी। हाँ तो उसमें लिखा ही हुआ है कि क्या बोलते हैं डिक्रीज कफ प्रेशर बताने का ट्राई करूंगा, पॉसिबल सिचुएशन में होगा तो बताऊंगा ना भाई। वो नहीं बता रहा मैं इस बार फिलहाल टाइट है मित्रों। पहले इसको ठीक कर लेते अपन। सो हे गाइस, जस्ट मेरा इंटरनल का एग्ज़ाम हुआ, अभी मैं देख के आया जस्ट, और मेरे को वेरिएंट अच्छा मिल रहा है क्या, तो भगवान साथ दे रहा है क्या, मतलब मैं जब उठा रहा हूँ तो अच्छा ही वेरिएंट आ रहा है, मतलब जो मेरे को क्वेश्चंस पता है ना अच्छे से वो आ रहे हैं। तो जैसे मेरे को पैथ फिजियो में भी 4था नंबर गया था, पैथ रेड में 2 नंबर गया था, तो स्टार्टिंग के वेरिएंट में थोड़े ईजी सवाल होते हैं। आज मैंने उठाया, ऐसा लकीली उठाया। 4 नंबर का वेरिएंट था, उसमें क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था उसमें कि मेरे को रिलेटिव कार्डियक डलनेस और एब्सोल्यूट कार्डियक डलनेस कैसे गिनते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में, वो बताना था। तो फिर मैंने बताया, मेरे को मैं वो वैल्यूज याद कर गया था कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो मैं कंटिन्यूस बोलते रहा। और आज पता नहीं मैं कितना पानी पीना, मेरे को बहुत वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कड़वा कड़वा लग रहा है। मैंने वो लिखा एक पेज पे। उसके बाद मेरे को दूसरा क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। फिर हाइपोग्लाइसेमिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन वही हुए, पूरा चिपका दिया मैंने। पॉलीडिप्सिया पॉलीपेप्सिया ओलिगोयूरिया पॉलीयूरिया वो सब पूरा चिपका दिया, पूरा कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं लिखा मैंने, पूरा ध्यान से लिखा। और फिर मेरे को वो एनालिसिस आया था, तो फिर मैंने वो उसमें था मीट स्लॉब्स और रिनल सेल्स, तो फिर हम लोग उसका था आंसर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो इसी कारण फिर मैंने तीनों क्वेश्चन सही हुए। फिर मैंने मतलब पहले आपको एक पेज मिलता है, वो आप उस आप पेज पे लिखते हो। पहले मैंने लिखा बहुत सारा, तो उसके बाद में फिर मैं मैम के पास गया, फिर मैंने स्टार्ट किया तो फिर तो फिर मैं रुका नहीं, मैंने बोलते गया। टीचर पता नहीं सुन रही थी नहीं सुन रही थी, अचानक से एकदम फिर पूरा मेरा जब ख़त्म हो गया फिर बोलती किताब। मेरी जो मैम है क्लास टीचर, जो मेरे को जिसने मेरे को इंटरनल पढ़ाया साल भर, तो उसको बोल रही थी कि पढ़ के आया ऐसा 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 बोल रही थी बहुत कुछ। तो मेरे माम को भी अच्छा लगा, तो उसने तो मेरे को मार्क्स डाले, मेरे को थी रेटिंग 61, मेरे को डाले उसने, मेरे को टोटल मेरी 85 या 86 गिरी, 85 गिरी शायद। मेरे को लगभग भैया 1 2 3 मेरे को 26 या 27 मार्क्स डाले 30 में से, तो हो गया सब सही रहा। किसके पास गया था? चुमा को कितनी दी? 30 नहीं 26 या 27 दी शायद। डॉक्टर सुन में कुछ गलत बताया था क्या? सब्सक्राइब है क्रॉस सेक्शन में कुछ गलत बताया था क्या? 20 में से 28 में तब भी दुखी है भाई, 26 में भाई हमने की हम भुगत रहे, ऐसा है बिना आदेश बिना के भुगत रहा। ये पास डालना है डालू क्या? देखो जैसे पेपर में पता किसके कितने रह गए। ओके अपनी मार दी क्या अभी जाता हूँ घर। जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे ना तो लग रहा था एक अभी उतना हार्ड नहीं पूछते, ऐसा पूरा कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं पूछते। इतने अपने सीनियर कैसे पास हुए मैं इतना बोल रहा कि आज लेकिन आज वाले एग्जाम हॉल में सबसे कंफर्टेबल लगा। हाँ सबसे कंफर्टेबल लगा, ऐसी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मस्त बेंच था ऐसा और बहुत ऐसी गर्दी नहीं थी। ऐसा लगा था कि बैठो से ऐसे बहुत बैठने की इच्छा हो रही थी बहुत। जे मैं सानू छड़ गई नी तू अलड़े, जदों तेनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा।